तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे दोस्तों यहाँ पे गूगल मैप में यहाँ पे अपना घर वगैरह, जैसे यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं बिल्कुल 3D, और यहाँ पे लाइव हम लोग कैसे देख पाएंगे अपना घर गूगल मैप्स में। चाहे दोस्तों आप कहीं से भी हो, बिलोंग करते हो, आप अपना घर यहाँ पे गूगल मैप में देख सकते हैं। जैसा गूगल मैप ने यहाँ एक अपडेट किया है और उसमें कुछ सेटिंग वगैरह करके हम यहाँ पे पूरा पूरा प्रोसेस समझ लेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल नए हैं और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं हमेशा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए फ्रेंड आपको करना क्या होगा, अपना यहाँ पे डाटा कनेक्शन जो इसको ऑन कर दीजिए, और ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको चलना होगा प्ले स्टोर की तरफ, और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लीकेशन की लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना होगा गूगल प्ले में कि गूगल अर्थ, ठीक है, गूगल अर्थ लिख के सर्च करना होगा। यही जो एप्लीकेशन है इसी की हेल्प से दोस्तों हम लोग अपना यहाँ पे घर वगैरह देख पाएंगे। तो आइए इसको ओपन करते हैं और पूरा यहाँ से डिटेल से जानते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड आप इसको ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे फ्रेंड तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे गूगल अर्थ का, और आपका नेट कनेक्शन वगैरह दोस्तों थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3D लुक में तभी हम लोग देख पाएंगे बिल्कुल लाइव यहाँ पे अपना घर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल अर्थ देख सकते हैं ओपन हो रही है एप्लीकेशन, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेती है, लोडिंग मिलती है। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो लोकेशन है ये हमारे घर के आसपास का है। और यहाँ पे दोस्तों अगर नेटवर्क कनेक्शन जितना ही अच्छा रहेगा आप जूम करके उतना ही क्लियरिटी यहाँ से पा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं जो रोड वगैरह है और सारा का सारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। और यहाँ पे 3D लुक है देख सकते हैं, 3D पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 3D मॉडल में भी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो फ्रेंड शायद आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो यहाँ से बिल्कुल आप क्लियर क्लियर यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर विश्वास नहीं आपको तो यहाँ पे आए हम सर्च करके कुछ दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा सा सर्च कर लें, जैसे मान लीजिए अगर हम सर्च करते हैं ताजमहल, ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रेंड लिखेंगे ताज और यहाँ से महल, जैसे हम सर्च करेंगे तो फ्रेंड हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और ऐसा ये सर्च करके देखते हैं कि आखिर उसका लुक हम लोगों के सामने कैसा दिखता है। तो ताजमहल जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल का लुक हम लोगों के सामने आ चुका है। और यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 3D लुक में यहाँ पे क्लियरिटी के साथ आप नेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल का जो लुक है, यहाँ पे ताजमहल टावर यहाँ पे देख सकते हैं, और सारा का सारा यहाँ पे 2D या 3D करके यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। देख सकते हैं फिर यहाँ पे ताजमहल का जो नज़ारा है, और यहाँ पे जो गेट वगैरह जो भी सारे सारे हैं पूरा पूरा यहाँ पे ताजमहल का लुक दिखाया जा रहा है, ठीक है। जितना जूम करके क्लियरिटी उतना ही मिलती जाएगी 3D लुक में। तो इस तरह से फ्रेंड आप कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल 3D लुक में देख सकते हैं। जैसा अभी गूगल मैप ने हाल ही में अपडेट किया है तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बता दूं, और यहाँ से आप पूरा पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा सिटी वगैरह देख लीजिए यहाँ पे जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा लुक में दिख रहा है। और जितना ही आप जूम करेंगे यहाँ पे गार्डन वगैरह जो भी है पार्किंग वगैरह सारा का सारा दिखने लगेगा, देख सकते हैं फ्रेंड काफ़ी कमाल का लुक हम लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड यही आज की वीडियो, मैंने सोचा आपको ये अपडेट बता दूं। तो कैसी रही प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और आसानी से फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करते हैं तो माई लोकेशन जो है इस पर जाएंगे, और इस पर जाने के बाद डायरेक्टली आप आ जाएंगे अपने लोकेशन पर, अपना लोकेशन यहाँ पर बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ देख पाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड इससे ज़्यादा जो भी है यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर दिया गया है आप सारा का सारा चेक कर सकते हैं 3 लाइन पर क्लिक करके, और यहाँ से आप पूरा पूरा प्रोसेस जान सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने कोशिश किया है पूरा पूरा समझाने के लिए, अगर वीडियो में कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा फ्रेंड। तो यहाँ पे सारा का सारा मैंने दिखा दिया, और यहाँ से आप आसानी सर्च कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करते हैं कुछ परमिशन वगैरह मांगे तो आप उसको अलाउ कर दीजिए ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। तो फ्रेंड यहीं पे वीडियो को हम एंड करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लियरिटी अब बढ़ चुकी है, और आसानी से यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे जितना नेट हमारा अच्छा होगा। तो फ्रेंड आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जहाँ दोस्तों को समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा फ्रेंड। यहाँ पूरा पूरा मैंने समझाने का कोशिश किया है, तो कमेंट करके आप बताइए वीडियो कैसी रही। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, बाय फ्रेंड।